इम्पॉर्टेंट इज वी ऑल हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल विद आवरसेल्फ्स. हम सबको अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने जीवन से बहुत सच्चा रहना है, बहुत सच्चा रहना है. आप चाहते जरूर हो, पर आप वहां से निष्काम की आप अपेक्षा रखते हैं तो वो काम नहीं होगा. डू वी अंडरस्टैंड? सब में नूर तू जान. तो क्या मैं नूर जानता हूं? अगर मैंने नूर को जाना तो लेना देना, ये इमोशनल ट्रांजैक्शन, ये इमोशन में अपने मन को डाउन रखना, आप समझना, कितना भी बंदा सक्सेसफुल हो जाए, कितना भी वो ऊंचाई पे पहुंच जाए, कितना भी उसका नाम हो जाए, व्हाटएवर इट इज दैट यू हैव इन योर हेड रिगार्डिंग सक्सेस, दैट इज समथिंग यू नीड टू सॉर्ट आउट फॉर योरसेल्फ. द माइंड ऑलवेज लव्स इमेजिनेशन. तो ये बात हमको समझना है. जैसे मेरी अभी अवस्था है, मन क्या करता है. मेनी टाइम्स आई गेट दिस, लॉट ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम विद देयर माइंड, दे आर नॉट एबल टू फाइंड peace with themselves as in what in condition. Mind niche ki or leke hi jayega, depression ki or leke hi jayega, kuch na kuch shikayat ka usko mauka milta hi milta hai. So we need to understand what it is, what it is. Dekho, ek hai normal functioning of the mind and ek hai not a normal functioning of the mind. Not a normal functioning of the mind is 99.9 persisting in all the human bodies who do not have gyan. Gyan bahut zaruri hai. Phir aap bologe, normal life mein hum hasi mazak mein ye word gyan bahut sunte. Even among youngsters, you know, they pull each other's leg and say, keh rahe humko itna gyan mat suna, humko ye sab malum hai. Par gyan malum hone ka vishay nahi hai. Gyan is that particular aptitude inside us that we need to develop of honesty. We need to be very honest with ourselves, very very honest with ourselves. What is the meaning? In which level we need to be honest? Ek baat samajhna, jahan chahat hai wahan aaram namumkin hai. जहां चाहत है वहां आराम नामुमकिन है. हमसे ऐसे कर्म होएंगे जिसको छुपाने के लिए हमारा सारा जन्म लग जाएगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड किसके संगत में मैं बैठी हूँ. हु आर द पीपल आई स्पेंड माई टाइम विद. वॉट आर द वर्ड्स दैट आई एम हैप्पी टू लिसन. वॉट आर द वर्ड्स आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट. हु इट इज दैट आई एम टॉकिंग टू. बोला ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. तो मैंने कौन सी कंपनी रखी है. मैं खाली बाहर की कंपनी नहीं बोलती हूँ, हाँ वो भी बहुत जरूरी है. हु आर द पीपल आई टॉक टू, व्हाट डज दैट मीन. किन के वर्ड्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, किन बंदों से मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ, किन चीजों से मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ, मेरे इम्प्रेस होने के बेंचमार्क्स कौन से हैं. आई नीड टू अंडरस्टैंड मेरा रास्ता कौन सा है, मैं इस जीवन में चाहता क्या हूँ, मैं अपने ही इस चोले से चाहता क्या हूँ. खाली मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, इट डजंट वर्क लाइक दैट. व्हाट इज इट व्हेन आई टेल मायसेल्फ आई वांट टू अचीव इन लाइफ. वेरी गुड, वेरी गुड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड what is it that I'm talking about. Achievement, achievement khali paisa dhan naam nahi hota. Achievement hota hai mental stability, achievement hota hai mental balance, achievement hota hai mental clarity. Achievement ye hota hai ki maine dimag ki gehraon mein ghuskar maine jaan liya ki mera man chalta kaise hai. Bhajan mein gaate hain hum, sunte bhi hain, sunne mein bada maza आता है क्योंकि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पकड़ में आती है, फिर तीसरी लाइन आ जाती है, पर उसकी गहराई में जाकर उसको समझकर उसको अप्लाई करेंगे तो मजा आ जाएगा. संत, एक लाइन को अप्लाई करने में, गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड, बोला तू तन ही नहीं तू मन भी नहीं. जब तू तन नहीं तो मन नहीं, तो मन में जो जो फुरने आते हैं वो कौन से हैं, वो किसके हैं. जस्ट सी नो विद द ड्रॉप ऑफ आवर हैड द ह्यूमन बर्थ जस्ट पासेस बाय. फिर जो निकल गया, जो जन्म निकल गया, जो समय निकल गया, वो जीने के टाइम कितना सच्चा लगता है. बट रियली इज इट ट्रू, वेयर इज इट गॉन, इट इज ऑल गॉन इनटू थिन एयर. चला गया ना, हाथ में तो नहीं आता है ना. ऐसे ही
जो समा बीत गया वो भी हाथ में नहीं आता, जो कर्म हो गया उसका फल भी आएगा जरूर, लेकिन जो बीत गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला? Something that is done cannot be undone. However, there are two things that we can learn from it. एक तो उसको पकड़ के मैं दुखी सुखी हूँ, दूसरा मैं और पुराने गलत कर्म करूं, और दूसरी चीज मैं उस पर पैर रख के और ऊपर की तरफ चढ़ूं। So I need to understand again, being honest with yourself is very important. जितना मैंने ज्ञान सुना, क्या मैंने उसको अप्लाई किया? ऑनेस्टी नंबर वन। जितना मैंने ज्ञान सुना, क्या मैंने उसको अप्लाई किया? अप्लाई मतलब देखो, अगर कहीं पे भी किसी भी टाइम पर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस माय माइंड इज नॉट फीलिंग एट पीस विद मी, इट इज नॉट जॉयफुल, प्रसन्न चित, उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रसन्न चित, जब अंदर में मेरे को प्रसन्न चिंता का अनुभव नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मेरा समय, मेरा ये चोला कहीं ना कहीं गलत जगह फंसा है, गलत ख्यालों में फंसा है। कौन सा दलदल है? यू नो व्हाट इज अ दलदल? देयर इज नो आउटसाइड दलदल। देखो, बात बात में देयर इज सच सटलिटी इन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। आवर अंडरस्टैंडिंग हैज टू रन रियली डीप। Guys, however old we are, based on our circumstances, based on our life that we have led and the experiences we have had, ठीक है ना, सबका कोई सर्कमस्टेंस है, किसी का कोई है, और अनुभव सबके उस हिसाब से अलग अलग है। बोला, ये जो ज्ञान है ना, ये अनुभव का ज्ञान है, ये अनुभव का ज्ञान है। वाणी जो है वो दिव्य है। क्यों दिव्य है? बिकॉज इट इज सो एप्लीकेबल, इट इज जस्ट नॉट रिटन इन एनी शास्त्र, इट इज सो एप्लीकेबल एंड लेयर्स ऑफ लर्निंग इज रिक्वायर्ड। सो अगेन, honesty means this is the most important word that we are learning in today's session, and that is honesty. We have to be very honest with ourselves, very honest in our system. Jo maine vani suni, kya maine usko hu-bahu apply kiya? Kya maine apne day-to-day life ke anubhavon ko is vani se, is gyan se relate kiya? Am I relating? If there is something which is not very pleasant, the not very pleasant has been shown to me only because there is something which is not up to the mark inside my system. और इनसाइड माय सिस्टम अप टू द मार्क क्या हो सकता है संत? क्या हो सकता है? सिंपल फिलॉसफीज है लॉ ऑफ नेचर में। सिंपल क्या बोला? मदर नेचर बोलती है मेरा लॉ बहुत सिंपल है, तुम खाली अपनी सेवा राइट करने पे ध्यान दो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू मी एंड टेल मी, दीदी हमको बहुत बोरिंग लग रहा है, हमको फटाफट कुछ और करना है, हमको कमाना है, हमको ऐसे करना है। किसने बोला ये सब नहीं करना है? जरूर करेंगे, टाइम पर करेंगे, लेकिन अभी जो तुम्हारा समय है, अभी जो पढ़ने का समय है, तुम उसको 100% तुम जस्टिफाई करो ना, 100% गिव योर 100% टू दैट, नो दैट इज एक्सट्रीमली फुलफिलिंग। कृष्ण ने भी बोला कि जिस समय जो कर्म की जरूरत है उससे भागने की कोशिश अज्ञानी ही करते हैं। जो उस टाइम पे तुम्हारी सेवा की जरूरत है वो तुम 100% उस पे उतरोगे तो वो समाधि से कम नहीं है। समय अनुसार किया हुआ कर्म, समय अनुसार एकाग्रित किया हुआ ज्ञान मेरे जीवन में काम आता है। What is required out of my intellect right now? What is required from my body right now? What is required for me to contribute in Mother Nature right now? वो मेरा धर्म बन जाता है, कर्म नहीं, वो मेरा धर्म बन जाता है। This is honesty number one, lesson number one, है ना? फिर दूसरी बात बोला, जहां मेरा शरीर है अगर वहां मेरा मन है तो भी हमसे नए कर्म नहीं बनेंगे।
Focusing your mind on what the actions your body is right now doing will also help you from not making unnecessary karams. Do you understand? Because karam sharir se nahi bante. Sharir ki bahut limitations hai. Sir, sharir ke khali do haath hain aur do paon hain. Usse kitne karam banenge? Bahut sare karam hamare shabdon dwara. हमारे अंदर के गलत विचारों द्वारा, विचार और ख्यालों द्वारा बनते हैं. गलत संकल्प, गलत विकल्प, हम लोग कितने श्राप देते हैं अपने ही मन से, कितनी ही हम बातें बोल देते हैं, कितनी हमारे मन की शिकायतें हैं. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. ज्ञान इज अ चेक पॉइंट. जैसे रोड पे चलते हैं तो टोल पे हमको पैसे देने पड़ते हैं. देयर इज अ टोल टैक्स वी हैव टू पे एट एवरी फ्यू किलोमीटर्स. ऐसे ही In our mind, every thought, every moment, there is a toll. कौन सा टोल है ये कि हमको जो देना पड़ता है वो है ज्ञान का टोल. बार बार अपने अंदर में एनालिसिस करना जरूरी है. अगर तू नाखुश है तो किस कारण नाखुश है. मेनी टाइम वी फिगर आउट अ वे ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी बेस्ड ऑन समबडी एल्सेस एक्शन, बेस्ड ऑन आवर सर्कमस्टेंसेस. जो है उससे अगर मैं ना खुश हूँ, आई एम नॉट सेइंग वी डोंट हैव अ राइट टू चेंज आवर लाइफ सिचुएशन. वी ऑलवेज डू हैव अ चॉइस. द पॉइंट इज वेरी रेयर डू वी गो इनटू ट्राइंग टू चेंज इट. वी ओनली आर यूजिंग एंड स्पेंडिंग आवर टाइम ट्राइंग टू कंप्लेन अबाउट इट. ये बहुत जरूरी है हमको समझना. कंप्लेनिंग अबाउट अ थिंग इज नॉट ट्राइंग टू चेंज इट. वो चेंज नहीं होगा. मन जो है, फिर अगेन मैं बोलती हूँ, अध पका मन, जिस मन ने तप किया ही नहीं, जो अच्छे संस्कारों के साथ जन्म तो उसने लिया पर उसने उस संस्कार से अपना जीवन नहीं बनाया. भले ही अपने कर्मों को गलत ओर जाने से वो रोक चुका है या रोक सकता है, रोका है उसने अच्छे संस्कार द्वारा, बट विजडम इज समथिंग एल्स. Wisdom is something else. It teaches you the way, the path to reaching your own home, to reaching your own destiny and destination. It also tells your mind, gives it the exposure of what is. Jo sach hai, sach ka darshan, sach ki roshni, सच की बात सुनने में जिस मन को अच्छा लगता है वो मन उस सच तक पहुंच ही जाता है. Divinity is beautiful to a divine mind. Divinity is beautiful to a divine mind. There is nothing boring about it. There is nothing boring about it. It triggers our entire system. Every cell in our body feels alive. It comes back to life. It is so important. नहीं तो दिमाग हर रोज क्या बोलता है. हमारी डिक्शनरी में तो ये इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि अरे माय गॉड आई एम सो बोर्ड. अगर मैं बोलती हूँ बोर्ड तो हर दिन हमको नया खेल निराकार सामने लेके आएगा. और हर खेल अच्छा ही हो, हर खेल में मेरा मुनाफा ही हो, हर खेल मेरी बेनिफिट पे ही चले, कोई गारंटी नहीं है. कभी खेल अच्छा होगा, कभी खेल बुरा होगा, और कभी खेल बहुत ज्यादा बुरा. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हमको अटैचमेंट में मजा आता है तो मेरे को डिटैचमेंट के दुख के लिए रेडी रहना पड़ेगा. डू वी अंडरस्टैंड? एंड व्हाट इज अटैचमेंट? इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड. मैंने अपना रस डाल के किसी और बंदे को या किसी और सिचुएशन को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि वहां से भी मेरे को अपनी पूर्ति के लिए एक्सपेक्टेशंस की पुल बंध जाती है. वी गेट सो tied up in our own expectation ka daldal ki usse upar uthna humko mushkil lagta hai, bahut mushkil lagta hai. Fir wapas aa jao apne is point par ki we need to learn to be very honest with ourselves. Main chahta kuch hu, hota kuch aur hai. Main samajhta kuch hu, bolta kuch aur hu. कहीं पे भी हमारे पूरे सिस्टम में अलाइनमेंट की बहुत कमी है. हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे खेल करते हैं. कहो बहुत एक सुंदर बात बोली थी हमको हमारे भगवान ने कि तुम कौन सी चीज को छुपा छुपा के चलते हो, ऐसे कर्म ही क्यों करते हो जिसको छुपाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही कर्म हम क्यों करते हैं. Sometimes we are forced to do certain things that we are not very proud of. That we are sometimes in the future quite ashamed of, in fact. हम उसको ढककर चलते हैं.
हमको अच्छा लगता है कि हम उसको ढकें, हम किसी और को उसकी बात बोलेंगे भी नहीं, क्या बोलते हैं सीक्रेट, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है हमको। तुम बताओ कि हमारे अंदर में इतनी जागृति हुई। यस वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी ऑल नीड टू लर्न, इसमें कोई दो राह नहीं है, पर फिर हमारे अंदर की सुजागी जरूरी, फिर हमारे अंदर की सजागी। अगेन लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन कि हम ऐसा कर्म ही क्यों करें जहां मुझे उसको छुपाना पड़े, और छुपाने के लिए हमसे कभी झूठ भी निकल जाता है, और जब झूठ निकलता है तो उस झूठ को बचाने के लिए और कितने झूठ निकल जाते हैं। लाइफ बिकम सच अ कॉम्प्लिकेटेड मेस, एक्चुअली इट इज नॉट मेंट टू बी, नथिंग इन दिस लाइफ इज मेंट टू बी कॉम्प्लिकेटेड, Nothing in this life is meant to be stressful. आराम का जीवन है, सच में आराम का जीवन है। It was meant for enjoyment, meant for celebration, but enjoyment का मतलब ही हमने गलत समझा है। हम अपने इंद्रियों के रस में इतना बह जाते हैं, really our mind में, हमारे मन में जब तक दो की भावना है, जब तक duality है, जब तक मी एंड माइंड एग्जिस्ट एंड को एग्जिस्ट इन माई सिस्टम, इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखो बहुत सुंदर सी बात है, जब तक मेरे दिमाग में द अदर एग्जिस्ट, लिविंग विद एन अदर विल बी वेरी डिफिकल्ट। देखो एक बंदा जो जागृत है ना, वो 100 के साथ भी आराम से रह सकता है, और वो 100 का दिमाग भी एकदम शांत रहेगा, इतना राइट चलेगा वो घर या जगह। सच्ची यू विल बी अमेज्ड कि ऐसी भी कोई दुनिया है। एक राइट बंदा जिसके अंदर में दो है ही नहीं, वो ही दूसरों के साथ रह सकता है, और जिसके अंदर में दूसरे का भान है, the other is hell, जिसके अंदर में दूसरे का भान है, वो किसी और के साथ रहने पर भी क्या होगा। भले हम बोलते हैं कि हमको उनसे बहुत प्यार है, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे कर्म प्राणी है, बट आर वी नॉट एबल टू identify the flaws of the people we live with? All the time the mind is in search of a flaw, because man apni kamzori ko bachata hai. Kaise bachata hai? Auron ki galtiyon ko samne rakhkar. That is a very wrong act. Sachi mein main bolti hu, kisi aur ki kamzori ko hum samne rakhte hain, kisi aur ki karam ki problem ko hum samne rakhte hain. We are literally finding an excuse to justify the incompetencies of our own mind. हमको ये समझना है, वो ही मैंने बोला ना शुरू में भी कि we need to be very honest with ourselves. मेरे मन की कमी को मुझको खुद ही समझना है, मेरे मन के खोखले पने को समझना है।